अस्सलाम वालेकुम, FSC सेकंड ईयर। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ अ जीन एंड आल्सो डिस्कस द बीडल एंड टैटम प्रोसीजर फॉर आइसोलेटिंग न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स इन न्यूरोस्पोरा स्पीशीज। टुडे आवर टॉपिक इज one gene and one polypeptide. So basically we have discussed the arginine biosynthetic pathway and in this pathway there are number of enzymes are involved and Bedel and Tatum they actually isolate the different strains, different mutant strains, the strains that have mutations in them with a defective form of that enzyme. And this mutation was always present at one or few specific chromosomal sites. So first of all, बीडल एंड टैटम का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोसीजर था, उनसे ये उन्होंने पता किया कि जो जितने भी इंजाइम्स हैं, फॉर ईच इंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन आर्जिनिन बायोसिंथेटिक वे में, हर इंजाइम की एक डिफरेंट साइट होती है और हर म्यूटेंट जो भी उन्होंने आइसोलेट किया, जब उन्होंने एग्जामिन किया तो देखा कि हर सिंगल इंजाइम में एक डिफेक्टिव प्रॉब्लम है, एक डिफेक्ट है जो कि कैसे हो रही है, क्योंकि उस क्रोमोसोम की स्पेसिफिक साइट्स पे अगर म्यूटेशन आ गई है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो भी इंजाइम प्रोड्यूस होगा उसमें डिफेक्ट आएगा। अब बीडल एंड टैटम ने क्या उनका रिजल्ट्स क्या थे उनके प्रोसीजर्स के, कि जितने भी जीन्स हैं वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम्स, और हर जीन जो है वो एक इंजाइम के स्ट्रक्चर को कोड करता है, इनकोड करता है। अब हमें पता है कि जो मेजर हेरिडिटी मटीरियल है, इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, दैट इज़ DNA, और DNA की इंफॉर्मेशन इनकोड होती है इनटू RNA एंड RNA की इनकोड होती है इनटू प्रोटीन में, एंड इंजाइम्स या प्रोटीन इन नेचर। तो अगर कोई भी चेंज आया है, कोई भी म्यूटेशन आई है, तो वो DNA में अगर आई है उस स्पेसिफिक क्रोमोसोमल साइट्स पर, उन जीन्स में, जीन्स क्या है, जीन्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द DNA जो कि एग्जिबिट करती हैं डिफरेंट ट्रेट्स को, डिफरेंट करेक्टर्स को। तो अगर किसी DNA के जो क्रोमोसोम है उसकी स्पेसिफिक साइट्स पर जो DNA है, अगर वहाँ पर म्यूटेशन हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो भी इंजाइम प्रोड्यूस होगा उसमें डिफेक्ट आएगा, क्योंकि वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था इन स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इंजाइम, और हर जीन जो है वो इनकोड कर रहा है एक इंजाइम के स्ट्रक्चर को। अब ये जो रिलेशनशिप है इसको नाम दिया गया वन जीन एंड वन इंजाइम हाइपोथेसिस। बहुत से इंजाइम जो है दे कंटेन्स मल्टीपल प्रोटीन्स, एज वी नो इंजाइम्स या प्रोटीन इन नेचर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स और ईच इनकोडेड बाय अ सेपरेट जीन। तो आजकल इस रिलेशनशिप को वन जीन एंड वन पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड इसलिए क्योंकि वी नो कि इंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो इंजाइम्स को की जगह हम पॉलीपेप्टाइड को आजकल कॉमनली जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आर्जिनिन बायोसिंथेटिक वे शो किया गया है। इसमें एक क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोम जो है उसमें डिफरेंट जीन्स हैं। एज वी नो कि क्रोमोसोम जो है इट कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, और डीएनए का स्मॉल जो पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज जीन। तो जीन क्लस्टर वन जो है इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक इंजाइम, सपोज इस इंजाइम का नाम है इंजाइम ई, एंड देन जीन क्लस्टर टू इट विल प्रोड्यूस इंजाइम एफ, एंड जीन क्लस्टर थ्री इट विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ इंजाइम्स, इट इनकोडेड इंजाइम जी एंड इंजाइम टू, एंड इंजाइम ई जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट अमाइनो एसिड इंटू ऑर्निथिन अमाइनो एसिड। देन इंजाइम एफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑर्निथिन अमाइनो एसिड इंटू सिट्रुलिन। इंजाइम जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग सिट्रुलिन इंटू आर्जिनोसक्सिनेट। एंड देन एट द एंड इंजाइम एच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट इंटू आर्जिनिन। एंड दिस इज़ द होल बायोसिंथेटिक और बायोकेमिकल पाथवे इन विच ग्लूटामेट इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इंटू आर्जिनिन विद इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट इंजाइम्स दैट आर इनकोडेड बाय डिफरेंट जीन क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम। सो इंजाइम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग दीज सेंथेसिस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस या जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उन सब में इंजाइम्स का एक मेजर रोल है। इंजाइम्स का एक मेजर रोल है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। वी नो दैट वी हैव डिस्कस द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड यू नो दैट दे आर नंबर ऑफ पॉलीमरेज़ इंजाइम्स दे आर इन्वॉल्व, एंड दीज पॉलीमरेज़ इंजाइम्स दे हैव रोल इन रेप्लिकेटिंग द डीएनए एंड मेकिंग द कॉपीज ऑफ इट। एंड सेम केस ऑफ व्हेन द डीएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू आरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे आर नंबर ऑफ अगेन आरएनए पॉलीमरेज़ आर इन्वॉल्व, एंड देन इंफॉर्मेशन इन द आरएनए इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अगेन दे आर नंबर ऑफ दे आर सीरीज ऑफ इंजाइम्स आर इन्वॉल्व। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दीज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड इवन कार्बोहाइड्रेट्स। देयरफॉर बाय इनकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स डीएनए स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। क्योंकि जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो इनकोड कर रहे हैं द इंजाइम के स्ट्रक्चर को, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है बेसिकली वो ही स्पेसिफाई करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को। क्योंकि जितना भी जो भी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं विद इन ऑर्गेनिज्म वो सब जो हैं उनमें इंजाइम्स का एक मेजर रोल है। इंजाइम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल इन कैटलाइजिंग द सेंथेसिस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो डीएनए स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ। सो क्लास दिस इज द टॉपिक ऑफ वन जीन एंड वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस हाउ जीन्स दे इनकोड्स इंजाइम स्ट्रक्चर, एंड जीन्स दे आर स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए एंड इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन 1953 देयर इज अ बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सेंगर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली डिस्क्राइब द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन में जितना भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसको उसने डिटरमिन किया,
और इसकी अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि प्रोटीन इट कंसिस्टिंग ऑफ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि जितने भी इंजाइम्स हैं और जितने भी प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स जो कि अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट मैनर एंड डिफरेंट ऑर्डर में। आपने ये प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें आपने पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, डिपेंड के कौन सी प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड्स आपस में अरेंज करके प्रोटीन बनाएंगे। अब सेंगर के जो वर्क था, जो उसकी अचीवमेंट थी, उसके बाद क्या हुआ, 1956 में वर्नोन इनग्राम उसने डिस्कवर किया दी अमीनो एसिड सीक्वेंस और दी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया स्टूडेंट्स ये एक प्रोटीन डिफेक्ट है और इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो सिकल शेप के हो जाते हैं और उनमें जो एबिलिटी होती है टू कैरी ऑक्सीजन, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वो जो है वो रिड्यूस हो जाती है। वो क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसमें जो मेन जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम एक नॉर्मल और एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो हमें ये क्लियर होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, जो डिजीज़ है वो सिंपल एक चेंज आता है ग्लूटामिक एसिड से वैलिन की तरफ, और पूरा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर उसमें सिर्फ सिंगल पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है उसकी जगह वैलिन आ जाता है। तो आपको जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, वो सिकल सेल एनीमिया की हो जाती है। इसमें सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं, जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन कैरिंग ऑक्सीजन, वो प्रॉपर से नहीं हो पाता और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब डिफरेंट जो एलील्स हैं ऑफ द जीन जो इनकोड कर रही हैं हीमोग्लोबिन को, वो ओनली डिफर करती हैं, डिफर ओनली इन देयर स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस वन अमीनो एसिड इन द हीमोग्लोबिन अमीनो एसिड चेन। तो अगर एक एक चेंज आया है, वो चेंज क्या है कि जब प्रोटीन बन रही थी, हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन जब बनती है तो डिफरेंट अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में अटैच होकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो जो अमीनो एसिड की चेन थी उनमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अगर आ गया है, ठीक है, सिंगल पोजीशन पर वो चेंज आ गया है, तो उसके रिजल्ट में सिकल सेल एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। अब इस चेंज के अगर हम बैक पे जाएं तो डीएनए है, तो मींस के वहाँ जो डीएनए है, जो जीन जो बेसिकली इनकोड कर रही है दैट हीमोग्लोबिन को, वो भी डिफर कर जाएगी ओनली इन वन मैनर में, ओनली इन वन स्पेसिफिकेशन में। अभी जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये जितना भी आइडिया था, इसने फाइनली हमें थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी अबाउट यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट इज जीन। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सिंगल सेल एनीमिया के एंड मोस्ट अदर हेरिडिटी ट्रेट्स के, दे आर डिफाइंड बाई चेंजेस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रॉट अबाउट एंड इन अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट मेक अप द प्रोटीन्स। अब ये जो सीक्वेंस है ये अगेन जो है ये आपको शो होगा, ये सीक्वेंस कौन डिटरमिन कर रहा है, कौन इनकोड कर रहा है, कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है, जो पर्टिकुलर रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स था उसमें जो डीएनए है और डीएनए में जो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का उसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमने क्रिटिकल चेंज डिस्कस की है कि जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हो गया इनटू वैलिन में, उसकी जगह वैलिन अमीनो एसिड आ गया है, तो अगर हम वो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी, जो चेंज थी, वो डिक्टेट किसने की,
डिक्टेशन हुई उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या हुआ कि सिंगल थायमीन की जगह एडनीन आ गया, और उसके रिजल्ट में जो इन्फॉर्मेशन आगे आई ट्रांसलेट हो गया इनटू प्रोटीन में, तो उसने कोड किया फॉर ग्लूटामिक एसिड। जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो ग्लूटामिक एसिड के लिए जो इन्फॉर्मेशन कोड होनी थी वो बाय कन्वर्जन ऑफ या बाय रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल थायमिन विद एन एडनिन, वो पोजीशन जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन को मिल गई। तो जो सीक्वेंस है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि डिटरमिन करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। तो बेसिकली दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ जीन, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वही डिटरमिन करता है, वही डिक्टेट करता है द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन एंड दिस इज़ कॉल्ड जीन। अब दिस इज़ अ डायग्राम जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिकल सेल एनीमिया है उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस या उसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस शो किया गया है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन में देखें आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वैलिन हिस्टिडीन ल्यूसीन थ्रियोनिन प्रोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ये आपको चेन में नज़र आ रहा है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें इस ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा, ठीक है। और एक सिंगल अमीनो एसिड की चेंज की वजह से पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, और वो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन बीटा चेन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इनटू सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन बीटा चेन में। और ये जो वैलिन है बेसिकली जो चेंज आया है, अगर इसके हम पीछे की तरफ जाएं डीएनए में, तो उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है ये जो ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में चेंज आए बेसिकली ये एक्चुअल में चेंज आया है इनटू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कि वहाँ थायमिन की जगह एडिनिन आ गया, तो उसके रिजल्ट में जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वैलिन आ गया। तो ये बेसिकली एक पूरा जो स्टेप था कि कैसे डीएनए जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को इनकोड करता है, कैसे वो डिटरमिन करता है। तो क्लास दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।